नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक मेड टेक्नोलॉजीज चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम 7QC टूल्स के सेकंड टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है पैरेटो। पैरेटो की डेफिनेशन जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, साथ में ही पैरेटो को एक्सेल शीट में कैसे ड्रा करना है इसके बारे में सीखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हमारा 7QC टूल्स में सेकेंड टूल्स होता है पैरेटो चार्ट, जिसे इन्वेंट किया था वेलफेरेडो पैरेटो ने। इन्हीं के नाम पे इस चार्ट का नाम पड़ा पैरेटो चार्ट। पैरेटो चार्ट का प्रयोग हम किसी भी प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। प्रायोरिटाइज का मीनिंग है कि उनके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग उनके हम क्रम के अनुसार सेट करते हैं। पैरेटो चार्ट को हम हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो करते हैं, जैसा कि हम चार्ट में देख पा रहे हैं कि हमारा जो बार्स है वो हायर टू लोअर साइज़ में दिखाए गए हैं। कहने का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, और पैरेटो चार्ट के कॉलम्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। जैसा कि हम अपने चार्ट में देख रहे हैं, कोई भी गैप नहीं है, सारे एक दूसरे के साथ तो क्या कहते हैं ओवरलैप कर रहे हैं या इनके साथ में चिपके हुए हैं। पैरेटो चार्ट के द्वारा हम अपने किसी भी प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। पैरेटो चार्ट में दो वाई एक्सिस होती है और एक एक्स एक्सिस होती है। जैसे पहले वाई एक्सिस में हम डिफेक्ट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे वाई एक्सिस में कम्युलेटिव परसेंटेज को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स एक्सिस के अंदर जो भी हमारा डिफेक्ट है या जो भी हमारा डेटा है उसके मीनिंग को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेटो चार्ट सिंपली दो चार्ट का कम्बिनेशन होता है, एक लाइन चार्ट का और एक कॉलम चार्ट का। कॉलम चार्ट्स के अंदर हम अपने प्रॉब्लम्स की जो क्वांटिटी होती है या डिफेक्ट की क्वांटिटी होती है, कहने का मतलब इसमें क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जाती है कॉलम में, और लाइन ग्राफ के द्वारा हमारा परसेंटेज कम्युलेटिव परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेटो चार्ट को ही फ्रेंड्स 80-20 रूल्स के नाम से ही जाना जाता है। 80-20 रूल्स का मतलब होता है कि 20% जो प्रॉब्लम्स काजेज होती हैं वो 80% प्रॉब्लम्स को आपके कंट्रीब्यूट करते हैं। सिंपल कहने का मतलब है कि केवल 20% प्रॉब्लम ही आपके 80% प्रोसेस के अंदर डिफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए अगर हम 20% को रिमूव कर दें अपने प्रोसेस से, अगर 20% प्रॉब्लम को रिमूव कर देते हैं तो 80% प्रॉब्लम अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इसे हम 80-20 रूल भी कहते हैं। पैरेटो चार्ट के द्वारा हम ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने प्रोसेस में कितना, अगर जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि 23.45% 39% 53%, अगर आपने टारगेट ले रखा है कि हम 50% रिमूव करेंगे अपने प्रोसेस के डिफेक्ट को, तो हम 50% यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 53% से हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर हमारे तीन प्रकार के डिफेक्ट आते हैं, ओवरसाइज, रस्ट और अंडरसाइज। अगर इन तीनों को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी 50% प्रॉब्लम अपने आप प्रोसेस की ख़त्म हो जाएंगे। तो यही होता है प्रायोरिटाइज करना। कहने का मतलब हमारी कौन सी ज़्यादा कितना कंट्रीब्यूशन कौन सी प्रॉब्लम कर रही थी, इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि अंडर साइज जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे ही अगर हम 50% प्रॉब्लम को टारगेट लेते हैं तो हमारा ओवर साइज, रस्ट और अंडर साइज एलिमिनेट कर दें तो हमारी प्रोसेस 50% से ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि एक्सेल शीट में पैरेटो चार्ट को कैसे ड्रा किया जाता है। आइए इसके सभी स्टेप को समझते हैं और कैसे ड्रा कर सकते हैं पैरेटो चार्ट को, इसको भी। फ्रेंड जैसा कि हमने चेक शीट में अपना डेटा कलेक्ट किया था, हम उसी डेटा को लेके चलेंगे। हमने पहले चेक शीट बनाई थी, चेक शीट में जो डेटा थे वही हमने अपने पैरेटो चार्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ले लिया। चेक शीट में जैसे हमने देखा कि हमारे जो भी डिफेक्ट थे हमने उनको ले लिया। सबसे पहले पैरेटो चार्ट बनाने के लिए हमें अपने डेटा जो चेक शीट में हमने कलेक्ट किया था उसको कॉपी करके हम अपने यहाँ पर पेस्ट अभी कर रहे हैं। तो जैसे देखा कि हमारे पास ये हमारा डेटा आ चुका है जो कि हमने चेक शीट से लिया है, जो पहले हमारे हमने इससे पहले बनाया था। अब चेक शीट से डेटा लेने के बाद जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा इनको सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग मतलब हायर टू लोअर इसको सेट करना है वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो हम इसको सॉर्ट कर देते हैं। पहला स्टेप है डेटा को सॉर्ट करना। सॉर्ट करने के लिए आप लेफ्ट
साइड कॉर्नर पे जाएंगे तो आपको सॉर्ट और फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। इसमें हमें सॉर्ट करना हायर टू लोअर, जैसे हमें पता है कि पैरेटो चार्ट हायर से लोअर ऑर्डर में बनाया जाता है, तो इसे हमें जेड टू ए में सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना है तो हमें अब इसमें हमें दो ऑप्शन दे रहा है सॉर्ट करने के, एक डिफेक्ट वाइज या वैल्यू वाइज। तो हमें डिफेक्ट की क्वांटिटी, ये देखिए क्वांटिटी का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें क्वांटिटी वाइज करना है, तो हमने क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया। अब वैल्यूज़ रहना ही रहना है, तो हमने इसको ओके कर दिया। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो डेटा है वो सॉर्ट हो चुका है। ये देखिए आप अंडर साइज, ओवर साइज, ये सारे बिल्कुल हमारा सबसे हायर पॉइंट है हमारा 102 है, लोअर पॉइंट है 21। तो हमारे डेटा बिल्कुल सॉर्ट हो चुका है फ्रेंड्स। अब हमें कम्युलेटिव क्वांटिटी निकालनी है। कम्युलेटिव क्वांटिटी का मतलब होता है संचयी बारंबारता, यानी आप एक जो वैल्यू होगी उसमें अगली वैल्यू ऐड करते जाएंगे और ऐसे ही सभी को रिपीट करते जाएंगे। पहले हमें सबसे पहले तो वही वैल्यू सेम आ जाएगी हमारे यहाँ पे, इक्वल प्रेस करिए और उसके बाद एंटर कर दीजिए तो सेम वैल्यू आ गई। अब हमें फॉर्मूला लगा के भी हम कर सकते हैं। देखिए जैसे कि अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को 102 में 69 ऐड कर देंगे। अब जो वैल्यू आएगी देखते हैं क्या वैल्यू आती है। इक्वल प्रेस करिए, जो को आपको ऐड करना है उसको ले लीजिए, प्लस का साइन लगाइए, फिर 69 ऐड करना, एंटर कर दीजिए। एक तो प्रोसेस है कि बार बार हम ऐसा करते चले। अब 171 में हमें 60 ऐड कर देना है, ऐसे जो वैल्यू आएगी उसमें 57, ऐसे करते करते हमें अंत तक आना। तो ऐसा हम बार बार नहीं करेंगे, हम अपने इसको साइड से पकड़ के जो राइट साइड कॉर्नर है इसमें हम ड्रैग कर देंगे। इसको हमने ड्रैग कर दिया तो हम देखेंगे कि आ गया हमारा, ये देखो हमारी सारी वैल्यू आ चुकी हैं। अगर ये अब कम्युलेटिव क्वांटिटी सही है गलत, इसको पता करने के लिए हम देखते हैं कि जो लास्ट डिफेक्ट की वैल्यू आई है वो टोटल डिफेक्ट की वैल्यू को इक्वल होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 435 टोटल वैल्यू थी, यहाँ पे भी हमारा 435 है, तो इसका मतलब कम्युलेटिव क्वांटिटी हमारी सही है। अब हमें कम्युलेटिव परसेंटेज निकालना है। कम्युलेटिव परसेंटेज निकालने के लिए हमें जो भी कम्युलेटिव क्वांटिटी को टोटल नंबर आप क्वांटिटी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कम्युलेटिव परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, तो हम इक्वल प्रेस करते हैं, उसके बाद हम क्वांटिटी ब्रैकेट लगा दीजिए आप, उसके हम ब्रैकेट लगा देते हैं और उसके बाद ब्रैकेट लगाने के बाद हमने ये देखो ब्रेकेट लगा दिया सर, हमने ब्रेकेट लगा दिया, उसके बाद हमने इसको ले लिया। इसके बाद डिवाइड करना है हमें, टोटल नंबर आप डिफेक्ट से आप डिवाइड कर देंगे, फिर ब्रेकेट को क्लोज कर देंगे आप, उसके बाद इनटू 100, इनटू क्या करना है हमें 100। इनटू 100 कर दिया हमने, हमने देखा कि ये आ चुका है हमारा वैल्यू, हमारा हमने डाल दिया। लेकिन हमें ये पता है कि जैसे 435 ये हमारा सभी के लिए कॉमन होगा, तो यहाँ आप क्लिक करिए और यहाँ पे आप 4 प्रेस कर देंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब ये सभी डिफेक्ट के लिए ये वैल्यू फ्रीज हो चुकी है, 435 ही रहेगी। उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए तो आपका कम्युलेटिव परसेंटेज निकल आया है सर। अब इसमें क्या करना है, हमें सिंपली राइट कॉर्नर में को पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो हम देखते हैं कि हमारे सभी वैल्यू आ चुकी हैं, जैसा कि देखा हमारा 100%। अब कम्युलेटिव परसेंटेज सही है निकला, हमने इसको कैलकुलेट किया या गलत कैलकुलेट किया, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम चेक करते हैं कि जो लास्ट डिफेक्ट था उसकी वैल्यू हमेशा 100% आनी चाहिए, तभी हमारा कम्युलेटिव परसेंटेज सही होता। अब हम कम्युलेटिव परसेंट को हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें अपने पैरेटो चार्ट को ड्रा करना है। तो पैरेटो चार्ट को ड्रा करने के लिए हमें तीन चीज़ की जैसे मैंने बताया था ज़रूरत पड़ेगी। एक एक्स एक्सिस में हमारा
डिफेक्ट के नेम आ जाते हैं या जो भी आपने पैरामीटर ले रखा वो आ जाएगा, उसके बाद उसकी क्वांटिटी आ जाती है, उसके बाद हमारा कम्युलेटिव परसेंटेज आ जाएगा। तो कम्युलेटिव परसेंटेज भी ले सकते हैं आप। देखिए हमने कम्युलेटिव परसेंटेज को भी ले लिया है, हमने अपने डेटा को सेलेक्ट किया, इंसर्ट ऑप्शन में जाके हम अपने कॉलम चार्ट को जो पहला है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास चार्ट बन चुका है। जैसा कि हमें पता है कि इसमें दो वाई एक्सिस होती हैं, अभी हमारे पास एक ही वाई एक्सिस है, तो हमें इसको बनाने के लिए जो रेड है कम्युलेटिव परसेंटेज है, जो क्वांटिटी है वो ब्लू कलर की है। तो कम्युलेटिव परसेंटेज हमारा लाइन ग्राफ में होता है, तो इसको लाइन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। चेंज लाइन में कन्वर्ट करने के लिए चेंज सीरीज चार्ट टाइप में जाएंगे आप, और यहाँ से पहला लाइन ग्राफ आप सेलेक्ट कर लो। देखते हैं क्या होता है। अभी हमारा लाइन में बन चुका है, लेकिन इसको फ्रेंड्स अभी हमारी सेकेंड वाई एक्सिस नहीं रिप्रेजेंट हो रही। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसको सेकेंडरी एक्सिस में मूव करना पड़ेगा। हमने सेलेक्ट कर लिया, अब फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में जाएंगे, तो यहाँ से आपको दिखा रहा होगा सेकेंडरी एक्सिस, तो यहाँ से हम सेकेंडरी एक्सिस पे कर देंगे और ये हमारा चार्ट बन चुका है सेकेंडरी। आप देखिए हमारा दूसरी वाई एक्सिस आ चुकी है जो कि इसके परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रही है। देख लेते हैं, इसमें ऐड डेटा लेबल्स कर देंगे तो हमारे परसेंटेज को भी ये दिखा रहा होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसने दिखा ये सारा कुछ, इसमें ये इसने दिखा दिया है, डेटा पॉइंट्स को चेक कर दिया। लेकिन अभी हमारा जो कॉलम चार्ट से, जैसे कि हमें पैरेटो चार्ट में पता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करता है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो रिप्रेजेंट हो रहा है, बट इसमें गैप्स हैं। ये देखिए एक कॉलम के बीच में दूसरे कॉलम के बीच में गैप होता है, जबकि पैरेटो चार्ट में ये गैप नहीं होता है। तो इस गैप को हम हटाने के लिए कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे जाना है फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में और इसके में नो गैप कर देना। ये गैप दिखा रहा है, इसको हमें नो गैप कर दिया और हम देख सकते हैं कि हमारा पैरेटो चार्ट बन चुका है। इसमें भी अगर आप डेटा लेवल ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको क्वांटिटी भी पता चल जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा पैरेटो चार्ट कम्प्लीटली ड्रा हो चुका है। ये हम पैरेटो चार्ट कैसे बनाते हैं।